जैसे कि आप होम स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, आज तुम्हारा भाई कमाल की एप्लीकेशन लेके आया जिसमें कि आप ये सब मतलब 3D वॉलपेपर आप लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप प्ले स्टोर पर कुछ ऐप डाउनलोड करते हैं लेकिन उसमें 3D वॉलपेपर नहीं हो पाता, उसका एक कारण होता है कि आपके फ़ोन में जायरोस्कोप नहीं होता। लेकिन आज किस ऐप को मैं बताने वाला हूँ, इसमें जायरोस्कोप भी नहीं है फिर भी आप इसमें 3D का यूज़ कर सकते हैं, 3D लाइव वॉलपेपर का। दोस्तों इसमें करना क्या, इसके काफ़ी मतलब बहुत सारे स्पेसिफिकेशन है जो कि दोस्तों आप ऐसे फ़ोन को सेव करेंगे तो यहाँ पर वॉलपेपर चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। दोस्तों जैसे हिलाएंगे आप अपने फ़ोन को तो वैसे ही आपका ऐसे 3D में दिखता है, बिल्कुल सेम दिखने वाला है। दोस्तों जैसे ये हिलाएंगे मतलब जो भी नया वॉलपेपर इसमें आते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं चेंज हो रही है। दोस्तों ये सब करने के लिए आपको सबसे पहले एप्लीकेशन का नाम बता दूँ, फ्लोट्स एप्लीकेशन का नाम है। अगर आपको प्ले स्टोर पर नहीं भी मिलती है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से इसे डाउनलोड कर लो। दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है, दोस्तों डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर तुरंत ओपन हो जाएगी दोस्तों फ्लोट्स ऐप जो कि मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखी है। इसके मतलब इसमें आप सेट वॉलपेपर क्लिक कर देना तो यहाँ से ये लग जाएगी बिल्कुल होम स्क्रीन में या फिर लोकेशन में, दोनों पर आप यहाँ इससे लगा सकते हैं। दोस्तों थोड़े से इसके मैं स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, यहाँ से जाने के बाद आपको सेटिंग में चला जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर कुछ कंडीशन दिखेंगे, अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, इंटरनेट स्लो है थोड़ा। दोस्तों यहाँ पर होने के बाद आपको फ़ोन से मतलब आप जैसे ही हिलाएंगे फ़ोन को तो मतलब आप कहते हैं कंट्रोल करना चाहते हैं, आप जैसे मतलब इसे पूरा कर देते हैं तो आप बिल्कुल थोड़ा ही हिलाएंगे फ़ोन को फिर से वॉलपेपर चेंज हो जाएगा। लेकिन अब मैं इसे इतना रखूँगा नॉर्मली। दोस्तों इसका आकार या फिर कलर्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं और एनिमेशन भी आप यहाँ से देख ही सकते हैं। और सेंसिटिविटी मतलब आप इसकी स्टार्टिंग देख सकते हैं, इसे कम भी कर सकते हैं ज़्यादा भी, जो कि इससे क्या होगा कि जैसे आप अपने फ़ोन को हिलाएंगे ज़्यादा हिलेगा या फिर कम हिलेगा, यहाँ पर 3D में बहुत कुछ दिखेगा। दोस्तों हाइड द लॉन्चर आइकन दोस्तों आप इसे कर देना जो कि यहाँ पर देखेगा नहीं है या कोई इस ऐप का आइकन है। दोस्तों इसका आकार भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा या कितना छोटा होना चाहिए। दोस्तों सेप भी आप यहाँ से चुन सकते हैं और दोस्तों आप यहाँ से सेटिंग की एक मिनट के बाद चेंज हो जाए, दो मिनट के बाद यहाँ पर टाइम भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों बस यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स दोस्तों।